गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, एज यू ऑलरेडी नो कि हम चैप्टर नंबर 10 मनी इसको कर रहे थे और इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. जो रूल्स रुपीस को मनी को सब्ट्रैक्ट ऐड करने के होते हैं वही रूल होते हैं मनी को सब्ट्रैक्ट करने के. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि पहले तो हमको पैसे के नीचे पैसे को लिखना होता है एंड रुपी के नीचे हम रुपी ही लिखते हैं. सेकेंड, पैसे में से हम पैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और रुपी में से हम रुपी ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि रुपए में से हमने पैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए और पैसे में से रुपए. नो, पैसे में से पैसे को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपए में से हम रुपए को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट सम इज 76 रुपीज में से हमको 23 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 76 रुपीज एंड 23 रुपीज. तो पहले हम 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्शन का मेथड आपको पहले से पता ही होगा तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी. बस इतना बता दूं कि हम राइट टू लेफ्ट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 6 में से 3 एंड आफ्टर दैट 7 में से 2. तो 6 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 3 एंड 7 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 5. दिस इज द आंसर सब्ट्रैक्टिंग 76 एंड 23 ओनली. अब इसको हमें रुपए बनाना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे रुपीस का सिंबल. ठीक, ये है इंडियन रुपी का सिंबल. तो रुपीस 53 इज आर आंसर. अब हम देखते हैं सेकेंड सम. 35 रुपीज एंड 45 पैसे में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12 रुपीज एंड 25 पैसे. तो पैसे में से पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपए में से रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 को एंड देन 3 में से 1 को. तो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 5 वी विल गेट 0. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 वी विल गेट 2. Subtracting 2 from 5, we will get 3. And subtracting 1 from 3, we will get 2. ठीक है? अब ये हमारा actual answer नहीं है. इसको हमें answer में convert करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर रुपी का sign और यहाँ पर पैसे का. इसको हम चाहें तो words में भी लिख सकते हैं. तो the answer is 23 rupees एंड 20 पैसे. ठीक है, आप इस प्रकार अपने आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हैं, 23 रुपीज एंड 20 पैसे. अब सेकेंड सम देख लेते हैं. 76 रुपीज एंड 95 पैसे में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 62 रुपीज एंड 20 पैसे. 5 में से पहले 0, देन 9 में से 2, 6 में से 2 एंड द लास्ट वन 7 में से 6. तो कर लेते हैं. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट 7, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट 4 एंड 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट 1. दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर. इसको हमें रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करना है या उसको शो करना है. तो 14 रुपीज एंड 75 पैसे इज आर आंसर. 76 रुपीज 95 पैसे में से अगर हम 62 रुपीज एंड 20 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 14 रुपीज एंड 75 पैसे. द थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. नीचे दो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनमें से मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, द अदर वन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. चारू परचेज अ साड़ी फॉर 312 रुपीज एंड 50 पैसे एंड अ सूट फॉर 210 रुपीज एंड 25 पैसे. एक लड़की ने 312 रुपए 50 पैसे की साड़ी खरीदी और 210 रुपए और 25 पैसे का सूट खरीदा. हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर? उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए? तो आपको पता है रुपए के नीचे रुपए को लिखना है और पैसे के नीचे पैसे को. तो पहले आप रुपीज और पैसे का ऐसा सिंबल बना लेंगे, कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे. तो 312 रुपए के नीचे और 50 पैसे के नीचे. सिमिलरली 210 रुपए के नीचे और 25 पैसे के नीचे.
अब हम इन दोनों सम नंबर्स को या अमाउंट को ऐड कर देते हैं। जीरो में फाइव ऐड किया तो फाइव, फाइव में टू ऐड किया तो सेवन, टू में जीरो ऐड किया तो टू, वन में वन ऐड किया अगेन टू, और थ्री में टू ऐड किया तो फाइव। तो टोटल अमाउंट शी पेड टू द शॉपकीपर इज 522 रुपीज एंड 75 पैसे। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? शी पेड 522 रुपीज एंड 25 पैसे। और ये जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, ये आपको खुद ही सॉल्व करनी है। एंड दिस इज द रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मनी। इसमें आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। ऑल द आइटम्स इन द फॉलोइंग बॉक्स हैव अ प्राइस शोन बिलो। नीचे आपको जितने भी आइटम्स दिखाई दे रहे हैं सबके पास एक रेट या एक प्राइस लिखी हुई है। लुक एट देम एंड फिल इन द बॉक्सेस। उन सारे प्राइजेस को आपको देखना है और नीचे जो क्वेश्चन के लिए आपको ब्लैंक्स या बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें आपको फिल करना है। तो पहले हम प्राइजेस को देख लेते हैं। टॉय कार 20, बैट 50, टॉप 5 रुपीज, पर्स 12, टेडी बियर 15, पेंसिल 2, बलून 3, कैप 6, शार्पनर 4, बॉल 5, बुक 8, पेन 7, एरोप्लेन 28 एंड लॉलीपॉप 3। तो दीज आर द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स गिवन हियर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे आपको सेट्स बने हुए हैं कि अ टेडी बेयर एंड अ कार, इन दोनों को ऐड करके क्या अमाउंट होगा वो आपको इस कॉलम में फिल करना है। अ कैप एंड अ बैट, इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट होगा वो इस कॉलम में फिल करना है। सिमिलरली आपको बाकी सारे भी ऐसे ही फिल करने हैं। तो चलिए दो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ एंड द रिमेनिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। द फर्स्ट वन इज टेडी बेयर एंड अ कार। तो टेडी बेयर की अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यू कैन सी इट इन योर बुक कि टेडी बेयर की जो अमाउंट है वो है रुपीज 15 और कार का प्राइस है 20। तो 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 35 एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 35। द नेक्स्ट वन इज अ कैप एंड अ बैट। कैप और बैट का क्या प्राइस होगा? तो कैप का प्राइस है रुपीज 6 और बैट का है 50 रुपीज। तो कैप और बैट को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 56। सो द अमाउंट विल बी रुपीज 56। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, ये लिखिए कैप एंड बैट और उसके सामने उसका अमाउंट। अ शार्पनर, अ पेंसिल एंड अ पेन। तो शार्पनर इज फॉर रुपीज 4, पेंसिल इज फॉर रुपीज 2 एंड पेन इज फॉर रुपीज 7। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 एंड 7 इज इक्वल टू 15। तो इन तीनों का प्राइस होगा रुपीज 15। एंड एरोप्लेन एंड अ बलून। एरोप्लेन और बलून का क्या प्राइस होगा दोनों को ऐड करके? एरोप्लेन इज फॉर रुपीज 28 एंड बलून इज फॉर रुपीज 3। तो 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31। सो द अमाउंट विल बी रुपीज 31। तो दीज आर द फोर सम्स दैट आई सॉल्व एंड द रिमेनिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Good day and goodbye.